सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं मालीगांव बी की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे इलाके में जाता हूँ। जब भी अपने इलाके में होता हूँ, और कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि मैं अपने लोगों से मिलने नहीं जाता हूँ, और अपने लोगों की जो बुनियादी सहूलियत से लोग महरूम हैं उनकी आवाज़ को सुनता हूँ, और हायर अथॉरिटी तक पहुँचाने के लिए हमेशा मेरे प्रयास रहते हैं। और आज जो मैं जहाँ पर लोगों से मेरी मुलाकात हुई, कुंडा मालीगांव जो बी पंचायत है, वहाँ के लोगों ने, काफ़ी तादाद में लोगों ने शिकायत की कि काफ़ी लोग आज की डेट में भी राशन कार्डों से महरूम हैं, जो डिज़र्व करते हैं बीपीएल राशन कार्ड के लिए। बिल्कुल गरीबी सतह से नीचे वाले लोग हैं, उनको आज की डेट में भी राशन कार्डों से महरूम रखा गया है। नंबर दूसरी जो शिकायत आई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, जो जिन लोगों के घर कच्चे हैं, यानि उनको मकान मिल जाने चाहिए थे बहुत पहले, बदकिस्मती से आज तक उनको मकान न मिले। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आवास प्लस में लिस्टें बनाई जा रही है, उन लोगों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर बहुत पहले से हमने एक आवाज़ उठाई थी कि हमारा जो बहुत बड़ा एक इलाका है उखराल कोगल प्रस्थान, जबकि उखराल में एक बैंक ब्रांच होने के बाद हमने चेयरमैन साहब से भी गुहार लगाई थी, बड़े दूर दूर तक हम पहुँचे। हम ये डिमांड करते हैं कि अब कम से कम शालगढ़ के अंदर बैंक की ब्रांच खोली जानी चाहिए, और यहाँ एक डिस्पेंसरी की भी सख्त ज़रूरत है शालगढ़ में, क्योंकि ये बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है। अब आने वाले वक्त में बर्फबारी हो सकती है, बहुत बर्फबारी यहाँ पर होती है, और काफ़ी आबादी पर मुश्तमिल इलाका है, और यहाँ पर अगर डिस्पेंसरी होगी तो कम से कम फर्स्ट एड के तौर पर यहाँ के मुकामी लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। और दूसरी बात, मैं जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से और रामबन डिस्ट्रिक्ट के डीजी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को ये हिदायत जारी करें कि आने वाला वक्त मौसम सरमा का है, बर्फबारी का है, यहाँ पर मशीनरी को बिल्कुल तैयार रखा जाए, और यहाँ के लोगों को किसी भी किस्म की दुश्वारियों से न गुजरना पड़े। इसीलिए मैं आज मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद कल मैं जम्मू जा रहा हूँ, और हो सकता है बहुत जल्द मैं दिल्ली भी जाऊँगा, और सभी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट में कई इलाके ऐसे आज भी मैंने देखे जहाँ आज की डेट में भी सड़कें नहीं हैं, बहुत सारे इलाके जहाँ पानी आज नहीं है, बिजली नहीं है।